प्रिया सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्ट्रेस और सदी के महानायक कहीं जाने वाले अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर माने जाते हैं। इन दिनों सोनी टीवी पर आने वाले रियलिटी शो केबीसी को होस्ट कर रहे हैं और इस दौरान वो कई अपनी जिंदगी के खुलासे भी करते हैं। और हाल ही में आए एक एपिसोड के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक सबसे कड़वा सच बताया। वो कड़वा सच था उनकी एक्टिंग करियर को लेकर। आज के समय में सुपरहिट फिल्में देने वाले अमिताभ बच्चन, एक वक्त ऐसा था जब उन्हें कोई अपनी फिल्मों में लेना नहीं चाहता था। इसके पीछे की वजह क्या थी, उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इस बात का खुलासा खुद उन्होंने केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, लेकिन इससे पहले उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके पीछे की वजह थी उनकी आवाज। आज के वक्त में अमिताभ बच्चन अपनी मधुर आवाज में कई गाने गा चुके हैं, यहाँ तक के हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन भी वो कई बार हमारे स्पोर्ट्स में गा चुके हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन को कई बार उन्हें अच्छे अच्छे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि उनकी आवाज पसंद नहीं की जाती थी। फिर जब उन्हें एक काफी फेमस डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि तुम काफी अच्छे एक्टर हो, अपनी आवाज पर काम करो और तुम काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, उस डायरेक्टर की बात मानकर अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज पर काम किया, ट्रेनिंग ली। और इसके बाद अमिताभ बच्चन जब सात हिंदुस्तानी फिल्म में आए, उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन इसके बाद एक साथ उन्होंने 12 फ्लॉप फिल्में दी। लेकिन उनके करियर में जो टर्निंग पॉइंट था वो था फिल्म जंजीर के साथ। इस फिल्म में वो पहली बार जया बच्चन के साथ नजर आए थे। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये था अमिताभ बच्चन की जिंदगी का वो सबसे कड़वा सच। आज के समय में वो चाहे कितने भी हिट हो, लेकिन हाँ, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रगल किया है जिसके बाद आज वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन से जुड़ा ये किस्सा जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।